गांव को साउंघाट ग्राम विकास अधिकारी ने लिया गोद, विकास फिर भी नहीं। यूपी के बस्ती जिले के साउंघाट ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मरवटिया के लोगों की जिंदगी जीने के लिए चुनौती बनी हुई है। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजी रूप से मिलता है। यहां के लोगों का यह हाल है कि लोगों को अपने घरों में जाने के लिए सड़क भी अभी सुचारू रूप से नहीं बनी, चाहे वह कच्ची सड़क हो या पक्की सड़क, और नाली की व्यवस्था न होने से बारिश की पानी से लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग अपने घरों में जाने के लिए डरते हैं। आलम यह है कि लोग अपने घरों में ना रहकर पड़ोसी के घरों में दिन रात बिताने को मजबूर हैं, क्योंकि लोगों का घर बारिश के पानी इकट्ठा होने से उनके घरों को घेरे लिया है। लोगों से जानकारी किया तो पता चला कि पिछले 3 महीने से ऐसा ही हाल है इस गांव का। लोगों ने अपनी इस समस्या को प्रधान तक पहुंचाई, लेकिन फिर भी प्रधान ने कोई कदम नहीं उठाया। कहा बाद में हो जाएगा। ग्राम प्रधान ने ना तो सड़क निर्माण सही कराया और ना ही नाली का काम। इतना ही नहीं, इस गांव के लोगों ने नरेगा के तहत काम भी किया है, लेकिन भुगतान किसी किसी को किया गया है। लोगों से सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में लोगों ने बताया, कोई भी सरकारी सुविधाएं हम ग्रामवासियों को नहीं मिल पाती, जबकि इस गांव को साउंघाट की ग्राम विकास अधिकारी ने गोद लिया हुआ है। अगर इस गांव में काम नहीं हो रहा तो प्रधान निधि में मिलने वाला बजट कहां जाता है, क्या होता है पैसों का? अगर इसकी जांच हो तो एक बड़े पैमाने पर ग्राम प्रधान का पर्दाफाश हो सकता है। मौके पर अविन चौधरी, मोनू चौधरी, प्रहलाद मौर्य, गुड़गुड़ चौधरी, पूर्व प्रधान प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ सोनू, समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। बस्ती जनपद से दिनेश सोनकर की खास रिपोर्ट। ग्राम मरवटिया है, बांसी रोड बस्ती। यहाँ के प्रधान का नाम पप्पू जायसवाल। और आपका नाम क्या है? शकीला बानू। क्या परेशानी है आप लोगों को? हमको बहुत परेशानी है सर। मेरे सास जो रही थी वो भी पानी में गुजारा कर ली, और जब 20-22 साल हो गए तब से हम भी पानी में गुजारा कर रहे हैं। क्या प्रधान जी के पास आप लोग गए थे? प्रधान जी के पास गए थे, प्रधान कहीं आवास आएगा तब बनेगा। तो कितना दिन हो गया गए? अरे वही गए 1 हफ्ता। उसके पहले नहीं गए थे? उसके पहले भी गए थे। तो क्या आश्वासन दिया? सेक्रेटरी के पास गए थे। और कहाँ गए थे? डीएम के पास गए थे। डीएम के पास गए थे, दरखास्त दिए डीएम की यहाँ। तो वहाँ से क्या आपको? वहाँ से थाने पर आया कागज, थाने वाले कहे कि काबलता अभी हम जांच करेंगे, देखेंगे क्या करे, शकीला पानी है, बरसात महीना है, कहाँ पे जाएगा पानी, कहाँ नहीं जाएगा। आपके प्रधान जी से पूछा गया तो आपके प्रधान जी बोल रहे हैं हम बरोबर जाते हैं यहाँ। अब कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं वो हम नहीं जानते हैं साहब। और नरेगा और रेगा वाला मिला? नरेगा और रेगा वाला 1 हफ्ता काम मिला था बस, उसके बाद बारिश हो गया। और उसके पहले नहीं मिला? उसके पहले नहीं मिला साहब, हमको कुछ नहीं मिलता है। 10 साल से नहीं मिला। मेरे सास का पेंशन नहीं मिलता। तो ये प्रधान जी से कहा था आपने? प्रधान जी से कहा गया, आत्मा चौधरी थे प्रधान, उनसे कहा गया था, और चेसराम उसके पहले प्रधान थे उनसे कहा गया था, कोई नहीं बनाया विधवा पेंशन। ये कितने दिन नाली पर कहूँ, नाली ना आएगा तो मुझे पानी बह के निकल जाए, बाल बच्चे बूढ़ा थे खाए बगैर मर। प्रधान जी से आप लोगों ने संपर्क किया इसके लिए? प्रधान जी संपर्क भर रहा, लेकिन जब कहा था कि पानी वहाँ से खोज आई, उन्होंने कोई रास्ता इसका नहीं निकाला अभी तक। जब रास्ता ना तो कहाँ निकाल जाए पानी? ये समस्या कब से है? समस्या जब से पानी बरसात, एक महीने से ऊपर हो गई पानी बरसात, कई साल से डेढ़ महीने से बताओ, डेढ़ पौने दो महीना हो जा रहा है। कितने दिन काम किए? 10 दिन करे रहे। उसका पैसा मिला? पैसा हम ना पान भैया, हम चार चार पाँच पाँच नहीं गए जाँच कराए। कहे आप बैंक में कहा जा देखो विजय कहीं वहाँ गए तो कहीं की क्या बोलते हैं उनसे प्रधान जी से मिला, वहाँ मिले तो उन कहीं की उनका है लखनऊ, ओकरे बाद में यहाँ तब बताई तो कह ले और कौन खाता हम कहें हमारे वो एक खतवे बने रहेगा हम ले। उनका क्या नाम है? फार्म सभी ने भरा था? फार्म सभी ने भरा है, किसी को मिला नहीं। जो ग्राम अध्यक्ष है अगर वो कोई काम किया होता तो ऐसे वो नहीं आती दिक्कतें। अगर इससे पहले 4-6 महीना पहले बाढ़ तो 2 महीना हुआ है, इसके पहले अगर नाली बना होता, रोड बना होता तो जो पानी आज बारिश हुआ है वो पानी निकल गया होगा। अब नाली नहीं है, फट गया है, रोड नहीं है, टूट गया है, सारी पानी जो है वो गाँव में चली जा रही है, सबका घर गिर गया है, जो घर से अपना बेघर होकर के दूसरे घर पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ तो बरसात से पहले भी तो रोड पे पानी भरा रहता था, हम लोग आते जाते थे देखते थे।